हाँ ध्यान से, अब दो खास बातें जो मैंने पिछले लेक्चर पे दोहराई थी, उन दोनों खास बातों को ध्यान से सुनो। पहली इंपॉर्टेंट और खास बात, अगर किसी भी लिमिट के अंदर अगर आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मिल जाए, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की लिमिट निकालने का तरीका बिल्कुल सेट है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की लिमिट निकालने का मेथड बिल्कुल सेट है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की लिमिट निकालने का क्या मेथड है? आप जबरदस्ती फोर्सफुल्ली उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को क्रिएट करोगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और इस बात को सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कभी भी किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में यदि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाता है, तो आप उस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की लिमिट निकालने का एक ही तरीका है कि आप फोर्सफुली उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को क्रिएट करोगे। एक बात तो मैंने ये बताई थी, दूसरी बात मैंने एक और आपको बताई थी, और दूसरी बात यह थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तीन स्टैंडर्ड फॉर्म है जिस पर बेस्ड अपन ने बहुत सारे सवाल लगाए थे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, साइन जीरो अपॉन सेम जीरो, टेन जीरो अपॉन सेम जीरो, एन वन माइनस कॉस जीरो अपॉन सेम जीरो का स्क्वायर। याद करो, फॉर्म पर ध्यान देना है। वन साइन जीरो अपॉन सेम जीरो, टेन जीरो अपॉन सेम जीरो, एन वन माइनस कॉस जीरो अपॉन सेम जीरो का स्क्वायर। फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉर्म पर ध्यान देना है। चलिए, ये तो कल के लेक्चर में आ गया था, आज हम इसी को डिस्कशन अपन करेंगे, डिस्कशन पर भी आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट हम लोगों ने निकाल ली और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट आपको समझ में भी आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालने का तरीका हमको क्लियर हो गया। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की लिमिट से हम डील कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की लिमिट से हम डील कर रहे हैं, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में चार हैं, कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। ओके, आज मैं बताऊंगा, आज मैं सिखाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट। किसकी लिमिट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब तक आपन कितनी स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ चुके हैं? अब तक हम लोग पांच स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ चुके हैं, दो एलजेब्रा में पढ़ी और तीन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी। अब मैं आपको सिखाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर किसी लिमिट के सवाल में है तो कैसे डील करना है। बेसिक अप्रोच तो मुझे पहले ही पता लग गई। कैसे पता लग गई? कि यार सर, ये तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो हमको तो इसकी स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट करनी है। अच्छा, यानी ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट करनी है, अप्रोच क्लियर हो गई। अब एकलौता सवाल बचता है कि सर इसकी स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म बता दो। तो यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मात्र दो स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट 6 एंड स्टैंडर्ड लिमिट 7। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड सिर्फ दो ही स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट 6 एंड स्टैंडर्ड लिमिट 7। बिल्कुल ध्यान देखेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट 6 कहती है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज 1, और स्टैंडर्ड लिमिट 7 कहती है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज 1। बस इसका मतलब हम ये समझ गए कि अगर किसी भी सवाल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, अगर किसी भी सवाल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो आपको इनको जबरदस्ती क्रिएट करना है। क्या फॉर्म क्रिएट करना है? साइन इनवर्स 0 अपॉन सेम 0 एंड टेन इनवर्स 0 अपॉन सेम 0। देखो, अब हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की लिमिट निकालना सीख रहे हैं। बेसिक अप्रोच तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई कि यदि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मौजूद है तो आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को जबरदस्ती क्रिएट करना है। ठीक, ये तो हमारी अप्रोच हो गई। अब सवाल उठता है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या है? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की केवल दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन इनवर्स 0 अपॉन सेम 0 और दूसरा टेन इनवर्स 0 अपॉन सेम 0। केवल दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट के लिए। इन दोनों फॉर्मों को अपन जबरदस्ती क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। कोई भी आईटीएफ का क्वेश्चन आएगा, इन्हीं दोनों को जबरदस्ती क्रिएट करेंगे। आओ दो तीन सस्ते सस्ते सवालों से शुरुआत करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, फॉर एग्जांपल हम लोग साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 3x।
आइए इसकी बात करें। शुरुआत के लिए इजी सवाल, साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 3x कैसे निकालेंगे? क्या साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज जीरो जा रही है? हां, साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है? 2x। तो जैसा जीरो साइन इनवर्स के अंदर वैसा जीरो साइन इनवर्स के नीचे। पहले भी समझाया है, साइन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो, टेन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो। चलिए तो अब हम आ जाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x, 3x है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ताकि साइन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो 1, तो लिमिट कितनी आ गई? 2/3। जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड करके चीजों को क्रिएट करते थे, वही हरकत यहां पर भी करनी है। एक और क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स, 3x प्लस टेन इनवर्स एक्स। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आया था। तो कैसे करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूं, साइन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो मुझे चाहिए, टेन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो मुझे चाहिए। तो करना कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की अप्रोच बिल्कुल सेट है, इसके अंदर कोई फालतू मैनिपुलेशन या कोई फर्जी अलजेब्रा नहीं लगती। अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो इसको करने का मेथड बिल्कुल सेट है। अब देखिए लिमिट रख दीजिए, साइन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो 1, तो 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो लिमिट निकल के आ गई 1/4। जैसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते थे वैसा ही हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के लिए भी करेंगे, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए करेंगे। कॉपी करो और क्वेश्चन लें। ओके, यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान देना, यहां पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू अपन ने 1 रखी और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 रखी। तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आपने तो एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में पार्शियल लिमिट रख दी। नहीं, पार्शियल लिमिट का मतलब है किसी पार्ट की लिमिट रखना और बाकी कुछ बच जाना। यहां कोई पार्ट बचा थोड़ी, यहां तो पूरे के अंदर एक साथ सब जगह एक्स जीरो रख दिया। अगर आप पूरे क्वेश्चन में एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान सुने, अगर आप पूरे क्वेश्चन में एक साथ लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में रख सकते हैं। अगर पूरे क्वेश्चन में एक साथ रख देते हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ हिस्से की वैल्यू रख रहे हो, एक्स की वैल्यू कुछ जगह रख रहे हो, कुछ जगह नहीं रख रहे हो, क्या यहां कोई ऐसी जगह है जहां एक्स की वैल्यू नहीं रखी गई? नहीं, यहां तो पूरे में रख दी गई, तो ये कोई पार्शियल लिमिट नहीं है। ध्यान रखना, पार्शियल का मतलब कुछ हिस्से की लिमिट रखना और कुछ हिस्से की लिमिट ना रखना, तभी तो कहेंगे पार्ट की लिमिट। यहां कोई पार्ट बचा थोड़ी, पूरे में एक साथ लिमिट डाल दी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर अपन पूरे में एक साथ लिमिट डाल रहे हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब में डाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई टुकड़ा बच रहा है जिसमें वेरिएबल एक्स है, तो फिर आप जो पार्ट की लिमिट डालेंगे, जो पार्शियल लिमिट डालेंगे, वह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ही डालेंगे। तो हल्का हल्का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालना आपको समझ में आया होगा। अब इधर सब बच्चे ध्यान देंगे, लिमिट एक और क्वेश्चन ये आईआईटी में आया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो। कैसे आईटीएफ को आईटी वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स 3x माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स 3x होल डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन की शक्ल देख के ही भाई सा लग जाता है, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स 2x माइनस रूट ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स 2x। ये सवाल है, आइए मिलजुल के इस सवाल को करने की कोशिश करें। चलो यार, यहां बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने की इच्छा हो रही है। क्यों हो रही है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने की इच्छा? क्योंकि सर ने वैसे भी बोला था कि अगर हायर रूट दिखाई पड़े, हायर रूट मतलब स्क्वायर रूट के ऊपर दिखाई पड़े, तो एक बार मन में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का विचार आना ही चाहिए। तो चलो
आइए देखें क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की शक्ल बन रही है। बिल्कुल बन रही है। इसको माइनस वन बाई थ्री, ये बन जाएगा साइन इनवर्स थ्री एक्स की पावर वन बाई थ्री होल अपॉन, ये बन जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स की पावर हाफ, और ये बन जाएगा वन प्लस टेन इनवर्स टू एक्स की पावर हाफ। क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की शक्ल बन रही है? बिल्कुल बन रही है। वन प्लस जीरो की पावर समथिंग, वन माइनस जीरो की पावर समथिंग, तो लगा दीजिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। जैसे हम लोग इसके अंदर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा टेन इनवर्स थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस वन प्लस साइन इनवर्स थ्री एक्स अपॉन थ्री। ध्यान रखना, वैसे तो पता ही है कि वन का कुछ नहीं होता, जो चीज जीरो जा रही है वह पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बन जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन टू माइनस वन माइनस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन टू। यहां वन 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 कट जाएगा। इस स्टेप के बाद ऐसे मतलब आपको भी दिख रहा होगा और मुझे तो खैर दिख ही रहा है कि ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दें। क्यों डिवाइड कर दें एक्स से? ताकि बन जाए स्टैंडर्ड लिमिट। क्या है स्टैंडर्ड लिमिट? साइन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो, टेन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो। तो अगर आप ऊपर भी एक्स से डिवाइड कर दें और नीचे भी एक्स से डिवाइड कर दें तो एक साथ लिमिट रखिए। ये कोई पार्शियल लिमिट नहीं है। यहां भी वैल्यू वन, यहां भी वैल्यू वन, यहां भी वैल्यू माइनस वन, और यहां भी वैल्यू माइनस वन। तो टू अपॉन माइनस टू लिमिट आ गई माइनस वन। जब आप सब जगह एक साथ वैल्यू रखते हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब तरीके में वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि किसी टुकड़े में लिमिट रख रहे हो और किसी टुकड़े में नहीं रख रहे हो, यानी पार्शियल लिमिट, वह केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कॉपी करो तो एक जबरदस्त आईटी में आए हुए दो सवाल ने, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन आईटी के अंदर आए थे जिनके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन भी था। अरे क्या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर दिक्कत क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके अंदर चलो लिमिट का कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे दो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर लिमिट का कंसेप्ट तो लग ही रहा था, लेकिन लिमिट के कंसेप्ट के साथ साथ उसके अंदर उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के कंसेप्ट भी लग रहे थे। चलो करते हैं, पहले एक सस्ते सवाल से शुरुआत करते हैं। आईटी वालों ने एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस वन रूट पाई माइनस रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होल अपॉन रूट एक्स प्लस वन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आइए मिलजुल के करेंगे, आइए इसको मिलजुल के करेंगे। रूट पाई माइनस रूट कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन। इसके अंदर मैं क्या बोलता हूं, केवल एक जगह आपको आईटीएफ दिखाई पड़ रहा है, केवल एक जगह कॉस इनवर्स एक्स आईटीएफ दिखाई पड़ रहा है, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूशन कर दें, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा रख देते हैं, यानी एक्स को कॉस थीटा रख देते हैं। तो एक्स अगर माइनस वन को टेंड करेगा तो थीटा पाई को टेंड करेगा। क्यों भैया? क्योंकि कॉस पाई ही माइनस वन होता है। इससे कुछ फायदा होगा? हां, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शक्ल हट जाएगी, शक्ल बहुत खराब है इसकी। माइनस रूट थीटा रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस वन, देखिए मस्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेडी हो गया। आईटीएफ अगर केवल एक ही जगह दिखाई पड़े तो बेटर है सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि आईटीएफ के मुकाबले टीएफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से खेलना इजी पड़ता है। चलिए बात करते हैं, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस पाई, ये आ जाएगा रूट पाई माइनस रूट थीटा वन प्लस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, वन प्लस कॉस थीटा प्यारे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो रूट टू इंटू कॉस थीटा बाई टू निकल के आ जाएगा रूट टू, वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो रूट टू इंटू कॉस थीटा बाई टू निकल के आ जाएगा। चलिए रूट पाई माइनस रूट थीटा दिख रहा है तो मन में इच्छा हो रही है कि गुरुजी क्यों ना आप इसको रेशनलाइज कर दें। मेरी आंखों में तो आंसर चमक रहा है, बोर्ड पर देखें आपकी आंखों में भी चमकेगा। ऊपर रेशनलाइज करेंगे तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा, नीचे रूट टू तो पड़ा ही हुआ है और यह भी पड़ा रहेगा रूट पाई प्लस रूट थीटा। यहां पर कॉस जो दिख रहा है ना, कॉस थीटा बाई टू, इसको लिख दो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। इससे फायदा क्या हुआ, ये जीरो जा रहा है। अगर थीटा पाई जाएगा तो ये जीरो जा रहा है और हमें तो पसंद है जीरो। अब हम क्या करेंगे, ऊपर टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे किया वो समझ में आ गया। अब देखिए साइन जीरो अपॉन सेम जीरो वन। अब सब जगह थीटा रख दे, एक ही जगह बचा है पाई, तो रूट पाई रूट पाई, टू रूट पाई, टू से टू कट जाएगा और आंसर आ जाएगा वन अपॉन रूट टू पाई। क्या जाएगा? वन अपॉन रूट टू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर यही रेशनलाइज करके उलझन पैदा कर लेते हैं। ऐसा ना करें, अगर आईटीएफ केवल एक जगह दिखाई पड़े तो बेटर यह रहेगा कि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लें। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जगह खाली पड़ी है, यूज कर लेते हैं। आईआईटी वालों ने जब यह सवाल पूछा तो उन्होंने देखा कि अरे बच्चे तो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी एक्स इंटू, यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस पाई बाय फोर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। छोटे बच्चे इसको देखकर हंसने लग गए, वो इसलिए हंसे क्योंकि समझ गए थे कि बस अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अच्छा, अब ये कौन सी फॉर्म है? आओ पहले इसको देखो, ये जीरो इंटू इंफिनिटी की फॉर्म है। कैसे है ये जीरो इंटू इंफिनिटी? भाई साहब देखिए, अगर एक्स इंफिनिटी जाएगा तो इसकी वैल्यू वन आएगी, ये अपने आप में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, इसकी वैल्यू वन आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर, पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर जीरो, जीरो इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वैल्यू निकालनी। आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, जब मैं कर रहा हूं तब ध्यान से देखिए। मैक्सिमम बच्चे इस बात के लिए वेट करते हैं कि पहले सर पहले पूरा क्वेश्चन कर लें फिर मैं समझूंगा। अरे सर नहीं अटकेंगे, सर पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, आप हाथों हाथ समझिए। अच्छा तो ये हो गई जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म, तो यहां पर देखिए इंफिनिटी इंटू जीरो यानी जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म है ये। ओके अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। कुछ बच्चे सोचते हैं इसको थीटा रख दे, नहीं ऐसा करने से जो है बेहोशी आ सकती है। इसको हम थोड़ी चालाकी करेंगे, इसको टेन इनवर्स वन रख देंगे ताकि हम टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स डी का फॉर्मूला लगा सके। अब आपको याद ही होगा टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स डी कितना होता है, टेन इनवर्स सी माइनस डी अपॉन वन प्लस सी इंटू डी। तो ये स्टेप करने के बाद आइए अंदर वाले को मैनिपुलेट करें, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो ऊपर तो माइनस वन आ गया और नीचे टू एक्स प्लस थ्री आ गया। वाह, आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है आंखों को अच्छा? क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो जा रही है। कैसे जीरो जा रही है? अगर एक्स इंफिनिटी जाएगा तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो। वाह, जैसा जीरो टेन इनवर्स के अंदर वैसा ही जीरो टेन इनवर्स के चरणों में, टेन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो वन। तो हम क्या करेंगे, इसी सेम जीरो से डिवाइड कर देंगे और इसी सेम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पार्शियल लिमिट डाल सकते हैं टेन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो वन, तो यहां पर आ गया लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी माइनस एक्स अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, और ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो लिमिट निकल के आ जाएगी माइनस हाफ। बहुत अच्छे दोनों के दोनों क्वेश्चन आईटी में आए हुए, दोनों सवाल कॉपी करिए। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देख लिए और हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देख लिए। अच्छा इससे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग तीन अस्त्र हासिल करेंगे। तीन अस्त्र कौन कौन से? इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र। इंद्रास्त्र हमने हासिल कर लिया जो कि और कुछ नहीं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही है। शिवास्त्र भी अभी हमने हासिल नहीं किया। ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया जो कि एल हॉस्पिटल रूल भी है। ये सारे क्वेश्चन जीरो बाय जीरो के फॉर्म के एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म के, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से एल हॉस्पिटल रूल से हो सकते हैं। आज हम लोग तीसरा खतरनाक बड़ा व्यापक अस्त्र हासिल करने जा रहे हैं, शिवास्त्र, जिसको मैथमेटिक्स के भाषा में सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि जो लिमिट का चैप्टर है
जो लिमिट है वो शुरू ही सीरीज एक्सपेंशन से होता है, ऐसा समझिए आप। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, सब बच्चे इस पर ध्यान देंगे। क्या मतलब है सीरीज एक्सपेंशन का? सीरीज एक्सपेंशन का मीनिंग समझिए, जितने भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हैं हर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को एक्स के पावर के सीरीज के सम की तरह लिखा जा सकता है। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन केवल चार ही हैं। कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। बहुत बार दोहरा चुका हूं, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एवरी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कैन बी रिटन डाउन एज सीरीज ऑफ पावर्स ऑफ एक्स, दिस इज नोन एज इट्स सीरीज एक्सपेंशन। ये कहलाता है उसका सीरीज एक्सपेंशन। जितने भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हैं, ट्रांसेंडेंटल मतलब वही चार, बहुत बार दोहरा चुका हूं, उनको सबको आप एक्स के पावर के सीरीज की तरह लिख सकते हो, एक्स के पावर के सीरीज के सम की तरह लिख सकते हो। और जब आप किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को एक्स के पावर के सीरीज के सम की तरह लिखते हैं तो वह कहलाता है उस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन। जैसे ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स 4/4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ये क्या हो गया? ये कहलाता है इसका सीरीज एक्सपेंशन। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है। अब आप यानी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को भी एलजेब्रा की तरह डील कर सकते हैं। अब आप ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को भी एलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स को कैसे लिखेंगे? एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मान लीजिए हमारे पास कॉस एक्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कॉपी करिए पहले, हां ये कॉपी कर लिया। e की पावर x साइन x कॉस x, इसके अलावा दो और याद रखने हैं। ln 1 प्लस x, इसका सीरीज एक्सपेंशन हमको हमेशा याद होना चाहिए, जो कि होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 एंड सो ऑन। और एक और हमें याद रखना चाहिए, किसका? tan x का। tan x का सीरीज एक्सपेंशन बिल्कुल याद रखें, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15 एंड सो ऑन। चलिए ये है हमारे पांचों सीरीज एक्सपेंशन। इसके अलावा मैंने साइन और कॉस का तो लिखा है, टेन का भी सीरीज एक्सपेंशन होता है, कॉट का भी, सेक का भी, कोसेक का भी, साइन इनवर्स का भी, कॉस इनवर्स का भी, टेन इनवर्स का भी, वो सारा का सारा आपको किसी बुक में मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। जो मेजरली ज्यादा यूज होता है वो है ये वाले सीरीज एक्सपेंशन। अब हम सीरीज एक्सपेंशन से लिमिट निकालेंगे। कॉपी करो पहले आप। अब सुनो, अभी अभी हमने एक छोटी सी चीज डिस्कवर की या एक छोटी सी चीज जानी, वो है सीरीज एक्सपेंशन। यानी अगर कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो आप उस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को एक्स के पावर के सीरीज की तरह लिख सकते हो, एक्स के पावर के सीरीज की तरह लिख सकते हो। यानी किसी भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को मैं एलजेब्रा में कन्वर्ट कर सकता हूं। जब आप किसी भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को एक्स के पावर के सीरीज की तरह लिखते हैं तो वह कहलाता है उस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन। अब हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट सीरीज एक्सपेंशन की मदद से निकालेंगे, और ये स्टैंडर्ड लिमिट है। यानी निकाल तो हम सीरीज एक्सपेंशन की मदद से रहे हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर हम सीरीज एक्सपेंशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली स्टैंडर्ड लिमिट, आइए देखें
स्टैंडर्ड डिफरेंस 8, स्टैंडर्ड लिमिट 8 पर आ जाइए। टोटल कितनी स्टैंडर्ड लिमिट है? टोटल 13 स्टैंडर्ड लिमिट है। देयर आर ओनली 13 स्टैंडर्ड लिमिट। जिस दिन हम 13th स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ेंगे चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड लिमिट 8, स्टैंडर्ड लिमिट 8 है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखें, इसकी शक्ल देखें, पहले फॉर्म पर ध्यान दें, ई की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0। आज हम क्वेश्चन करेंगे इसके, ई की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0। फॉर्म पर देखें, क्यों फॉर्म पर क्यों ध्यान दें? क्योंकि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की लिमिट निकालने का तरीका ही एक है कि हम जबरदस्त की उसकी स्टैंडर्ड लिमिट बनाएं। अब जबरदस्ती स्टैंडर्ड लिमिट तभी बना पाएंगे जब हमको स्टैंडर्ड लिमिट पता होंगी। तो स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म ध्यान दें, ई की पावर 0 माइनस सेम 0। इसके अंदर मन में एक सवाल जरूर आता है कि सर ये जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है इनका एक्सपेंशन तो कहीं तक भी किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है उनका जो सीरीज एक्सपेंशन है वह तो इन्फिनिटी तक जाता है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक जाता है, तो कहां तक एक्सपेंड करना है? अब राज की बात सुनो, आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को सिर्फ वहां तक एक्सपेंड करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए। फिर दोहरा रहा हूं, आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को सिर्फ वहां तक एक्सपेंड करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए। आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को सिर्फ वहां तक एक्सपेंड करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए। चलिए बात करते हैं ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन तो हम सभी विद्यार्थी जानते हैं एंड सो ऑन। ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इसकी लिमिट निकालने के लिए कहां तक एक्सपेंड करेंगे? सिर्फ इन दो टर्मों का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वहां तक एक्सपेंड करना है ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए। तो यहां डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो हमें सिर्फ डिग्री 1 तक एक्सपेंड करना है। ओ तेरी इतना ज्यादा इजी, लिमिट आ गई 1। इसीलिए इसका नाम शिवास्त्र है, ब्रह्मास्त्र से भी दो कदम आगे, जबरदस्त। सीरीज एक्सपेंशन से कोई भी लिमिट निकाली जा सकती है। एल हॉस्पिटल रूल पर तो कंडीशन है कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर इस्तेमाल करें, लेकिन सीरीज एक्सपेंशन पर कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी किसी भी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लीजिए, ये आ गया निकल के हमारे पास। यहीं पर हम डिस्कवर करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट 9। इसी का बड़ा भाई है ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर ई के बजाय ए आ जाए, अगर ई के बजाय ए आ जाए ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो करना कुछ नहीं है, इस बार हम ए की पावर एक्स को ई की पावर एक्स एल एन ए लिख सकते हैं। अब जैसा 0 ई की पावर में वैसा 0 नीचे क्रिएट करिए, तो एल एन ए से डिवाइड कर देते हैं, एल एन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकें, ई की पावर 0 माइनस एम 0 1। तो इसकी लिमिट आ गई एल एन ए। ये दोनों स्टैंडर्ड लिमिट याद रखनी चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये दो ही स्टैंडर्ड लिमिट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी दो ही स्टैंडर्ड लिमिट थी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में 3 स्टैंडर्ड लिमिट थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो ही स्टैंडर्ड लिमिट है। आज अपन इन पर सवाल करेंगे, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 और a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0। e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 1 और a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 एल एन ए। क्लियर है? यहीं पर हम लोग लॉग की भी स्टैंडर्ड लिमिट देख लेंगे, लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड लिमिट 10। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। पहले फॉर्म दिखाता हूं, शक्ल देखिए, क्या शक्ल है? एल एन 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0। क्या शक्ल है भैया? क्या शक्ल है? एल एन 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0। क्या शक्ल है? एल एन 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0। क्योंकि शक्ल ध्यान रखनी है, उसी को क्रिएट करना है। आइए एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मैं यहां लिख देता हूं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। एल एन 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन इंफिनिटी तक जा रहा है,
लेकिन हमें कहां तक एक्सपेंड करना है, बोलिए। सिर्फ वहां तक एक्सपेंड करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए। ओहो, इतना ज्यादा इजी, वन वन। ट्रिग्नोमेट्री की 3 स्टैंडर्ड लिमिट थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 2 स्टैंडर्ड लिमिट थी, एक्सपोनेंशियल की भी 2 स्टैंडर्ड लिमिट है, लेकिन लॉगरिथमिक में एक ही स्टैंडर्ड लिमिट है। यानी अगर कभी लॉग जीवन में दिख गया लिमिट के साथ, तो आपको यही क्रिएट करना है, एल एन वन प्लस जीरो अपॉन सेम जीरो। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख गया तो 2 तरीके हैं, ई की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम जीरो एंड ए की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम जीरो। कॉपी करो तो सवाल लगाए, कॉपी करिए। यहां पर ध्यान दो, एक्स किधर जा रहा है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, फॉर्म का इंपॉर्टेंस है। ई की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम जीरो अगर है तो वैल्यू 1 आएगी, ए की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम जीरो तो वैल्यू एल एन ए आएगी, एल एन 1 प्लस 0 अपॉन सेम जीरो तो वैल्यू 1 आएगी, 1। फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉर्म, वेरिएबल एक्स किधर भी जा सकता है। हमने अभी अभी एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड लिमिट, आज अपन ने काफी सारा कवर किया, अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टैंडर्ड लिमिट देखी, सीरीज एक्सपेंशन देखा, एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड लिमिट देखी, लॉगरिथमिक की स्टैंडर्ड लिमिट देख ली, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो सारे ही कवर कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड लिमिट पता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड लिमिट पता, एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड लिमिट पता, ट्रांसेंडेंटल की अपने लॉगरिथमिक की स्टैंडर्ड लिमिट पता। चलिए, अब जो हमने एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड लिमिट सीखी है और जो लॉगरिथमिक की स्टैंडर्ड लिमिट सीखी है, आइए उन पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। छोटे सवाल है, देखें कि आप लोगों की खोपड़िया मेरे साथ काम करती है कि नहीं। आइए, यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में आया था, लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x। फॉर्म देखिए, ई की पावर में 0 जा रहा है क्या? हां जा रहा है। जैसा 0 ई की पावर में है वैसा ही 0 नीचे क्रिएट करना है, ताकि ई की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 1 बन जाए। तो ई की पावर 2x, सेम 0 क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको 2x चाहिए। तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 1 आ जाएगा और लिमिट 2/3। एक और क्वेश्चन ध्यान देखिए, देखिए स्टैंडर्ड लिमिट्स का खेल, लिमिट x अप्रोचेज 1 e की पावर x माइनस ई अपॉन x माइनस 1। वाह, देखो अब की बार वेरिएबल x 0 नहीं जा रहा है, लेकिन हम स्टैंडर्ड लिमिट पर ध्यान देंगे। हम क्या करते हैं, ई को कॉमन निकालते हैं। अगर ऊपर से ई को कॉमन निकालेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। मैं ई को क्यों कॉमन निकाल रहा हूं, मैं ई को इसलिए कॉमन निकाल रहा हूं क्योंकि जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी शक्ल में ई की पावर 0 माइनस 1 आता है, तो मुझे यहां 1 देखना। उत्तरी शक्ल बन गई, ई की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 1, तो लिमिट ई आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमें शक्ल पर ध्यान देना है, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत अच्छा सवाल, क्वेश्चंस को देखिए, थोड़ी थोड़ी फील लीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन साइन x। देखो 0/0 फॉर्म है, फिर मैं क्या सोच रहा हूं, e के बगल में 1 देखने की बड़ी इच्छा रहती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस एक्स को बाहर निकालते हैं, तो यहां e की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा। साइन x को x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि साइन 0 अपॉन सेम 0 1 हो जाए। अब इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, ताकि e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 1 हो जाए, और यहां तो x 0 रखेंगे तो अपने आप में 1 हो जाएगा, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 2। कुछ नहीं करना, जबरदस्ती स्टैंडर्ड लिमिट्स क्रिएट करनी है। मैंने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स को बाहर लिया, क्यों बाहर लिया, क्योंकि बगल में 1 देखने की इच्छा है, तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन फिर सेम 0 क्रिएट करना था, साइन 0 अपॉन सेम 0 क्रिएट करना था,
एक्स से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया ताकि साइन जीरो अपॉन सेम जीरो वन हो जाए। अब ई की पावर में टू एक्स है तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ई की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स वन हो जाए। एक और क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं बहुत इजी। एक और क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ई की पावर साइन टू एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स होल अपॉन एक्स, क्या करें, करना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं ध्यान, इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, देयर आर मैनी मैनी वेज ऑफ डूइंग इट, मतलब बहुत तरीके करने के। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कम से कम तीन चार तरीके मेरे मन में आ गए। इसमें आप चाहें तो प्लस वन माइनस वन करके भी कर सकते हैं, बहुत तरीकों। चलो आपके लिए प्लस वन माइनस वन करके करते हैं। तो e की पावर साइन टू एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस e की पावर साइन एक्स, और दोनों को अलग अलग कर लिया। ध्यान से देखिए, यही वक्त है देखने सुनने का, बाद में मौका नहीं मिलेगा। x अप्रोचेस जीरो, ये देखिए e की पावर साइन टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसको साइन टू एक्स से डिवाइड और साइन टू एक्स से मल्टीप्लाई, तो e की पावर जीरो माइनस वन अपॉन सेम जीरो वन, यहां टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि साइन जीरो अपॉन सेम जीरो वन, तो पहले हिस्से की लिमिट टू आ गई। यहां पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने लिमिट को एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेपरेट किया तो फिर आपको दोनों पार्ट को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ही सॉल्व करना होता है। अब यहां देखिए जगह का, मैं आपको यहां पर देख लीजिए, वन माइनस ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स है, माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, माइनस वन अपॉन एक्स आ गई, साइन एक्स से डिवाइड और साइन एक्स से मल्टीप्लाई, ई की पावर जीरो माइनस वन अपॉन सेम जीरो वन, साइन जीरो अपॉन सेम जीरो वन, तो इसकी लिमिट माइनस वन आ गई। तो यहां पर इसकी लिमिट माइनस वन आ गई, तो कुल मिला के लिमिट कितनी आ गई, वन। जब भी आप लिमिट को एक बार एडिशन सबसेक्शन में सेपरेट कर लेते हैं तो पहले भी दोहराया फिर दोहरा रहा हूं, हर एक को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एडिशन सबसेक्शन में सेपरेट किया, थोड़ी देर सॉल्व किया, कंबाइन कर दिया, नहीं, फिर दोनों इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली सॉल्व होंगे और अंत में उनके आंसर ही कंबाइन होंगे। कॉपी करिए।